For latest Bollywood news and updates, please subscribe to Bollymyth. बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना, जिनका अंदाज आज भी याद किया जाता है। फीमेल फैन फॉलोइंग ऐसी कि उसकी कोई गिनती ही नहीं, लेकिन उनके दिल में जगह बनाई अपनी बोल्ड इमेज के लिए फेमस रही डिंपल कपाड़िया ने। तो आइए जानते हैं राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया के लव कनेक्शन के बारे में। दरअसल डिंपल कपाड़िया से पहले राजेश खन्ना एक रिलेशनशिप में थे। राजेश खन्ना का पहला प्यार अंजू महेंद्रू थी। अंजू महेंद्रू एक दिग्गज फैशन डिजाइनर और एक्ट्रेस थी। दोनों का लव रिलेशनशिप 7 साल तक चला। अंजू को राजेश की कुछ बातें पसंद नहीं थी, जिसके चलते दोनों के बीच झगड़े होने लगे, जो राजेश खन्ना की उदासी और परेशानी का कारण बन गए। उस वक्त राजेश खन्ना का स्टारडम अपने चरम पर था। राजेश खन्ना ने बैक टू बैक 15 सुपरहिट फिल्में की थी और उधर फिल्म बॉबी के जरिए डिंपल कपाड़िया ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंट्री की। डिंपल कपाड़िया की पहली फिल्म सुपरहिट रही। राजेश खन्ना उनके काम से काफी इंप्रेस हुए। डिंपल कपाड़िया की राजेश खन्ना से पहली मुलाकात एक पार्टी में हुई। राजेश पहली नजर में ही डिंपल कपाड़िया के दीवाने हो गए थे और यहीं से शुरुआत हुई राजेश और डिंपल की लव स्टोरी की। वैसे देखा जाए तो राजेश खन्ना की जिंदगी में डिंपल के आने का श्रेय अंजू को ही जाता है। राजेश अपने लव रिलेशनशिप के झगड़ों से परेशान थे और उन्हें तलाश भी नए जीवन साथी की थी। डिंपल से मिलने के बाद उनकी ये तलाश जैसे पूरी हो गई हो। दरअसल पार्टी में राजेश उदास दिखाई दे रहे थे, तभी डिंपल कपाड़िया उनके पास गईं और बोली, जिसकी मुस्कान पर पूरी दुनिया मरती है वो उदास क्यों बैठे हैं। पार्टी में डिंपल का इस तरह उन्हें नोटिस करना अच्छा लगा। डिंपल की ये बात सुनकर राजेश उनकी तरफ आकर्षित होने लगे और धीरे धीरे वो अंजू को भूलकर डिंपल के प्यार में पड़ गए। उस वक्त डिंपल महज 16 साल की थी और राजेश खन्ना 31 साल के थे। राजेश को भी डिंपल के ऋषि कपूर के साथ हुए ब्रेकअप का पता लगा और उन्होंने डिंपल को प्रपोज कर दिया, जिसे डिंपल ने हैप्पीली एक्सेप्ट कर लिया। मार्च 1973 में दोनों ने शादी कर ली। मीडिया में इनकी शादी बेहद चर्चित रही। एक इंटरव्यू के दौरान डिंपल ने बताया कि राजेश से उनकी शादी होना उनके लिए किसी ख्वाब के सच होने से कम नहीं था, क्योंकि डिंपल राजेश खन्ना की फैन हुआ करती थी। शादी के बाद डिंपल ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी, लेकिन उन्हें इस बात का पछतावा नहीं था, क्योंकि वो अपना पूरा समय फैमिली को देना चाहती थी। लेकिन कहते हैं ना, हर समय एक सा नहीं होता। ऐसा ही कुछ दोनों के रिश्ते के साथ भी हुआ। दरअसल 70 और 80 के दशक में राजेश खन्ना की फिल्में फ्लॉप होने लगी और उनका स्टारडम भी कम होने लगा, जिसे राजेश संभाल नहीं पा रहे थे। वो बहुत चिड़चिड़े हो गए थे और ड्रिंक करने के आदी भी। इसका असर उनकी मैरिटल लाइफ पर भी पड़ा, लेकिन डिंपल उनके इस बुरे वक्त में भी उनके साथ थी। इसके बाद राजेश खन्ना नई एक्ट्रेस टीना मुनीम के प्यार में पड़ गए। इन दोनों ने 11 फिल्में साथ में की, क्योंकि टीना मुनीम भी राजेश की फैन थी, जिस कारण वो भी खुद को उनके प्यार में पड़ने से नहीं रोक पाई थी। 80 के दशक में राजेश और टीना के रोमांस की खबरें फैलने लगी, जिससे डिंपल बेहद दुखी हुई और 1984 में राजेश से अलग हो गयी। टीना मुनीम यानी टीना अम्बानी राजेश से शादी करना चाहती थी, लेकिन राजेश खन्ना का डिंपल से पूरी तरह तलाक नहीं हो पाया, क्योंकि राजेश खन्ना अपनी दोनों बेटी ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना से बहुत प्यार करते थे, जिस कारण वो डिंपल से अलग नहीं होना चाहते थे। टीना ने राजेश खन्ना से ब्रेकअप कर लिया था। इसके बाद राजेश का अनीता आडवाणी के साथ भी लव रिलेशनशिप रहा था, जिसका जिक्र अनीता ने बिग बॉस के घर में किया था। डिंपल और राजेश भले ही एक दूसरे से अलग हो गए हों, लेकिन फिर भी दोनों के बीच का लव कनेक्शन टूट नहीं पाया था। दोनों अक्सर सामाजिक समारोह, राजनीतिक रैलियों, अवार्ड फंक्शंस में साथ नजर आते थे। डिंपल से अलग होने के बाद राजेश को एहसास हुआ कि उनका सच्चा प्यार केवल डिंपल ही थी। डिंपल भी राजेश का बहुत सम्मान करती थी। इस बारे में उन्होंने कहा, वो मेरे बच्चों के पिता हैं और मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा हैं। वो हमेशा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। और इसी के साथ राजेश खन्ना के साथ डिंपल कपाड़िया की शादी, उनका प्यार और दोनों का अलग होना बॉलीवुड की बड़ी खबर रही। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट।